फॉर एग्जाम्पल प्लास्टिक क्वालिटी जो मारुति पता नहीं किस वेंडर से ले रही है पता नहीं क्यों, या तो ये मारुति में दिक्कत है या फिर ये उनकी अचीवमेंट है, चिंदी चोरी करी दी मारुति ने क्योंकि मारुति तो मेरे को लगता है कि वो बैक बेंचर है बेसिकली। आज हमारे साथ फ्रेम में जो गाड़ी है ये है बहुत ही हॉट और शार्प मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स। अब इसके ओनर आए हमारे पास जिन्होंने ये गाड़ी अभी ताजी ताजी खरीदी है, तो देखते हैं कि उन्होंने ये गाड़ी क्यों खरीदी, कौन सी गाड़ी के बाद खरीदी, क्या क्या ऑप्शंस देखने के बाद खरीदी, और अगर आप फ्रॉन्क्स देख रहे हो मतलब खरीदने के लिए देख रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि बहुत सारे इंटरेस्टिंग सवाल हम पूछने वाले ओनर से। तो मैं वेलकम करूंगा इस गाड़ी के ओनर को, पुष्पेंद्र जी आप प्लीज फ्रेम में आ जाइए और जनता से थोड़ा सा रूबरू हो जाइए। थैंक यू वेरी मच आप इतनी गर्मी में हमारे पास आए तो इसके बाद हम जाएंगे ठंडी ठंडी ब्रेड और बटर खाने के लिए। ब्रेड बटर से लू नहीं लगती, बहुत तेज हो रहा है, ठंडी ब्रेड एंड बटर से। सो मच। तो मेरा सबसे पहला आपसे सवाल ये रहेगा कि ये गाड़ी बिक रही है 12,000, 13,000, 14,000 और हमारे पास पंच है सेम सेगमेंट की गाड़ी है वो बिकती है करीब 18,000, 19,000। तो ये बीजेपी के माहौल में आपने आम आदमी पार्टी को क्यों वोट दिया? तो उसका पहला आंसर तो यही है कि मेरे को आम आदमी पार्टी ज्यादा पसंद है इस कंपेयर टू बीजेपी। अच्छा, ओ माय गॉड। अब हम इस आपका जो भी इसके साथ एक्सपीरियंस है उसको एक डायरेक्शन में लेके जाना चाहेंगे कि आप इससे सेटिस्फाइड हो या आपको कुछ कमियां भी दिखती हैं या ओवरऑल जो है मतलब जैसे टाटा वाले जो यूजर होते हैं ना वो तो फैन हो जाते हैं, मतलब वो गलत नहीं सुन सकते, आप गलत सुन सकते हो इसके बारे में? नहीं नहीं बिल्कुल गलत सुन सकते हैं और हर चीज की क्रिटिसिज्म होनी चाहिए ताकि वो आगे इम्प्रूव भी करे। जैसे कि आई थिंक अगर मैं बोलूंगा तो फिर वही सीन है कि आई एम जस्टिफाइंग कि मैंने मारुति क्यों ली, बट जैसे अभी नई स्विफ्ट लॉन्च हुई, अब क्योंकि इस पे इतना सेफ्टी 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 पूरे इंटरनेट पे रोल हुआ तो मारुति वालों ने भी सोचा कि हमें भी कुछ एटलीस्ट करना चाहिए भले ही दिखाने के लिए, बट लेट्स डू समथिंग। तो उन्होंने उसमें भी 6 एयरबैग्स फ्रॉम बेस कर दिए और उसमें कुछ स्ट्रेंथ वगैरह की भी बात उनके जब लॉन्च हुई थी तब उन्होंने बताई थी कि 20%, 40%, मेरे को ज़्यादा डिटेल में तो नहीं है, बट ये है कि जब चीज़ें क्रिटिसाइज होंगी तो हो सकता है कि वो जो प्रोडक्ट है और अच्छा होगा। तो इसमें भी कुछ चीज़ें हैं जो अभी भी हो सकती हैं क्रिटिसाइज, फॉर एग्जाम्पल प्लास्टिक क्वालिटी जो मारुति पता नहीं किस वेंडर से ले रही है आई गेस उन्हें हुंडई से एक बार बात करनी चाहिए तो शायद वो और ज़्यादा अच्छा इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। बाकी सवाल जवाब मैं सोच रहा हूँ कि हम गाड़ी के अंदर बैठ के करें, मैं नहीं चाहता कि हमारे भाई का जो है रंग ढल जाए और तो हम चलते हैं। चलिए सर गाड़ी भी चलते हैं, आप चलाओ, आप चलाओ अपनी गाड़ी आप चलाओ और हमें बताओ कि क्या एक्सपीरियंस चल रहा है। तो जी बहुत ही गर्मी के बाद हम लोग गाड़ी के अंदर वापस आ गए हैं, तो आपने बेल्ट लगा ली, मुझे नहीं कहा आपने बेल्ट लगाने के लिए? नहीं, बेल्ट तो खुद से ही लगानी चाहिए सेफ्टी के लिए ना। जी जी बिल्कुल। अच्छा अच्छा, मैंने सोचा ड्राइवर की जिम्मेवारी होती है बताना कि आप लगा। नहीं, 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 नहीं ये इस गाड़ी की ही जिम्मेवारी है, देखिए इसने बता भी दिया आपको कि आपने बेल्ट नहीं लगा रखा। बात तो सही है, और इसकी जिम्मेवारी इतनी ज्यादा है कि कभी कभी इरिटेट भी कर देती है। अच्छा, तभी आपने ये जो पीछे की बेल्टें जो हैं ये जो लगा के रखी हैं ऐसा क्यों सर, ये क्या इसी वजह से? ये इसी वजह से है कि अपनी जिम्मेदारियों को ज्यादा भी निभा देती है। हाँ, तो इसका एक नेगेटिव पॉइंट तो यही है सबसे पहला कि इसमें जो आपकी बैक वाली सीट बेल्ट हैं वो आप हमेशा लगा के रखनी पड़ेंगी उसमें, अदरवाइज वो बोलती रहेगी, अदरवाइज वो इरिटेट करती रहेगी आपको। क्या आपको पता ये क्यों इरिटेट करती है? वो लोड सेंसर्स की वजह से आई गेस। लोड सेंसर नहीं है? हाँ जी हाँ जी हाँ जी बिल्कुल, पैसे बचाए हैं इसीलिए ही शायद सस्ती दे पाती है क्योंकि अगर आप किसी और उसमें जाएंगे तो वो उसी हिसाब से अपने पैसे बढ़ाते रहते हैं, जितने आप चीजें लगवा लो उतनी ही वो कर देंगे। तो अभी देखो सब आदमी सबसे पहले सब लोग यही जानना चाहते हैं कि भाई ये एवरेज कितना दे रही है आपको? ये एवरेज क्योंकि ये थोड़ी देर पहले तक आपके हाथ में थी तो ये 20 से तो ड्रॉप हो चुकी है, सॉरी सर, वरना उससे पहले तक ये 20 तक इसने मेरे को दिया है। अभी ज्यादा इसमें कोई लंबी ट्रिप हुई नहीं है, जो मेजर ट्रिप है वो आप बस काउंट कर सकते हो कि 150 से 200 किलोमीटर बाकी सिटी में चल रही है। हाँ, बाकी सिटी में है तब ये 20 का एवरेज दे रही है। हाँ हाँ, मुरादाबाद कोई बहुत ऐसा बिजी शहर नहीं है तो वहाँ पे मतलब बिल्कुल जो दिल्ली वाला ट्रैफिक होता है वो तो नहीं है,
जो नॉर्मल ट्रैफिक है जिसमें आप सिर्फ क्रॉल कर सकते हो, तो वो ट्रैफिक है, तो उस ट्रैफिक में ये अभी तक 18 से 20 की रेंज में है। और इसमें सब है, मतलब हाईवे भी है आपका और इन जनरल जो नॉर्मल सिटी यूसेज है वो भी है। तो मतलब 20 का आपको एवरेज दे रही है? 20 का अभी तक तो दे रही है। और ऐसा कोई जैसे कि 1200 किलोमीटर ही चली है इन टोटल, तो टैंक टू टैंक तो आपने नापा नहीं होगा? टैंक टू टैंक तो नहीं, लेकिन मारुति का ऑलमोस्ट एक्यूरेट रहता है कि अगर आपको वो 20 दिखा रही तो मतलब मान के चलो 19.5 तो वो दे रही है। हाँ, इफ नॉट एक्यूरेट तो 19-18 इतना तो एक गाड़ी देती होगी। और सेकेंडली पता नहीं क्यों या तो ये मारुति में दिक्कत है या फिर ये उनकी अचीवमेंट है कि जब आप पेट्रोल डलवा लेते हो और उसके बाद इसमें जैसे अभी रेंज दिखा रही है 109, तो क्योंकि पेट्रोल कम है फिलहाल, जैसे ही आप इसको चलाने लगोगे तो ये रेंज बढ़ती रहती है। अच्छा, मतलब जैसे हाँ जितना आप चलाते हो तो थोड़ी देर तक आपको एक खुशी होती है कि हाँ भाई दिखाया कुछ और था, चलेगी कुछ और। तो चलती ज्यादा है, चलती कम है? चलती ज्यादा है। अच्छा, तो जैसे मैंने सोनेट या फिर जो हुंडई की गाड़ियां चलाई हैं वो दिखाती ज्यादा है, चलती कम है? नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं है, बट उनमें क्या है कि फ्रॉम द पॉइंट जिस पॉइंट से आप पेट्रोल डलवाते हो उसमें, तो वो उसी पॉइंट से ड्रॉप होने लगता है। अगर उसमें रेंज 100 किलोमीटर दिखा रही है तो वो 100 से 102 105 होगी ही नहीं, वो 100 से सिर्फ नीचे ही आती है। तो पता नहीं ये मारुति ने कुछ सॉफ्टवेयर के साथ खेला हुआ है या फिर इन्होंने अपने इंजन इतने अच्छे कर लिए कि हाँ भाई चलने के बाद ये आपको थोड़ी सी सेटिस्फेक्शन और दे सकते हैं। तो कितनी रेंज अगर आपने मान लो टैंक फुल कराया? ये जब मैंने सबसे पहले जब गाड़ी ली थी उस समय टैंक फुल कराया था, तो उस समय इसने दिखाया था 637 की रेंज, मतलब जो अभी तक सबसे ज्यादा है। उसके बाद मैंने कभी ऐसा टैंक फुल नहीं कराया, तो 637 से तो मैंने आज तक ऊपर इसको देखा नहीं है जाते हुए मीटर को। और कितने लीटर का टैंक है इसका? इसका दैट्स अ गुड क्वेश्चन, आई गेस 32 का है, वो एग्जैक्ट मेरे को नंबर नहीं पता। तो आपके ये कौन सा वेरिएंट है? ये है डेल्टा प्लस। डेल्टा प्लस में यार काफी सामान साजो सामान के साथ आई है, ये ऑटोमेटिक एसी भी मिल जा रहा है डिस्प्ले, इसमें एप्पल कार प्ले और वो एंड्रॉइड ऑटो भी है, दोनों है, वायरलेस भी और वायर्ड भी है। वायरलेस भी और वायर्ड भी है, अच्छा दैट इज गुड। इसमें ये आपको स्टीयरिंग कंट्रोल्स भी मिल जाते हैं, क्रूज कंट्रोल वाला जो घुमन का वो सिर्फ टॉप में है, जो IS अल्फा है टॉप, तो उसमें क्रूज कंट्रोल है नहीं। और जिस चीज में पैसे ज्यादातर कंपनियां बचाती हैं, ये जो जो डिमिंग IRVM है ना, हाँ जी, ये नहीं देती, ये इसमें दिया गया है, तो दिस इज आल्सो अ प्लस। ये मतलब सेफ्टी के लिए ज्यादा है, तो मतलब कुछ तो सोच रहा है मारुति शायद सेफ्टी के लिए। सेकंड एक ये भी है कि इन्होंने ये जो है एक यूजुअली मारुति ऐसे बीच वाले वेरिएंट्स निकालती नहीं है, तो इसके साथ या तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करा है फ्रॉक्स के साथ, जैसे उन्होंने डेल्टा प्लस निकाला, यूजुअली दे गो फॉर सिग्मा डेल्टा जीटा एंड अल्फा फॉर जो भी उनके लाइनअप में है गाड़ी, तो इसके साथ इन्होंने एक थोड़ा सा ट्यून करा। आई गेस ये भी उन्होंने हो सकता है टाटा से सीखा हो, क्योंकि उन्होंने तो एक ही गाड़ी के इतने वेरिएंट्स निकाल रखे हैं। सही बात है, 25-25-30-30 वेरिएंट है एक गाड़ी के, तो इसलिए शायद ये मतलब उन्होंने डेल्टा प्लस निकाल के दे ट्राई टू ल्यूर कस्टमर्स सो दैट दे कैन गेट मोर बेनिफिट। लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं चिंदी चोरी करी दी मारुति ने। जैसे आप इसमें अलॉय व्हील्स दे रहे हो बट आप एक बैक कैमरा नहीं दे रहे, जो कि आज के टाइम पे एक नॉर्मल सी नेसेसिटी हो गई है। तो आप अलॉय व्हील्स दे देते हो बट बैक कैमरा के लिए उसमें आप एड ऑन नहीं करते, तो वो शायद एक है जो मतलब होना चाहिए था एटलीस्ट इस वेरिएंट में। तो और बाहर से मतलब ऑटोमेटिक ये आपके पास ये है अपना एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कार प्ले है, लेकिन कैमरा नहीं है, इट इज आप या तो बाहर से लगवाओ, बाहर से ही लगवाओ, क्योंकि जो अगर आप अंदर से भी अंदर से एज एन डीलरशिप से है उससे भी लगवाते हो तो वो कंसीडर तो यही होगा कि आफ्टर मार्केट एक्सेसरी है। तो वो इसी स्क्रीन के साथ लग जाता है? हाँ जी हाँ जी, इसी स्क्रीन के साथ जो ये आपके साथ आपके पास है ये इसी स्क्रीन में लग जाएगा अगर बाहर से लगा रहे हो आप तो। हाँ, बाहर से इसमें दो कैमरास आ रहे हैं, जो डेल्टा प्लस वाला वेरिएंट है उसी का ही कैमरा आ रहा है। उसी में एक बेनिफिट ये है कि अब मारुति ने एक्सेसरी गेम थोड़ा अच्छा कर लिया है ऐसा मेरे को लग रहा है, क्योंकि जैसे जो कैमरा जीटा में लग रहा है जो कंपनी से आ रहा है फिटेड, वो ही दे आर सेलिंग एज एक्सेसरी, तो अच्छा हाँ, तो आपको उसमें होल कराने की जरूरत नहीं है। ओके, बट ये चीज आपको डीलरशिप नहीं बोलेगी, वो बोलेंगे कि 5500 का कैमरा, यूजुअली 5500 की ही रेंज चल रही है, मैंने दिल्ली वगैरह में भी पूछा था, तो ये 5500 का कैमरा है और जैसे नीचे होल होता है वो होल होके
आपको लगा के देंगे। बट डेल्टा प्लस में एक फायदा ये है कि जहाँ पे इसकी जो टेल लाइट वाला पोर्शन है जो कनेक्टेड लाइट है बट इसमें कनेक्टेड नहीं है, तो उसको उसमें मतलब अगर आप एज अ कैमरा पूरे एक्सेसरी लेते हो तो उसके नीचे ही एक प्लेट है, वो प्लेट हटके एज इट इज सब कुछ है उसमें, ऑलरेडी होल भी है, तो जैसे एक टॉप मॉडल में आता है कैमरा वैसे ही बिल्कुल फिटिंग होगी। तो उसमें एक थोड़ा ये सेटिस्फेक्शन होता है कि क्योंकि मारुति की तरफ से ही एक्सेसरी है और कंपनी फिटेड है, इसमें जो वायर्स हैं वो एटलीस्ट एक थोड़ी अच्छी क्वालिटी के होंगे एज कम्पेयर टू जो लोकल मार्केट में। और एक तरीके से वो मतलब कोई एक्स्ट्रा होल नहीं करना पड़ेगा, वो कंपनी फिटेड उसमें अलाइनमेंट में भी आ जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ जी हाँ जी हाँ, तो ये तो एक अच्छी चीज है। डेल्टा में मिसिंग है, आप अगर डेल्टा में कोई लगवाना चाहता है, आई एम नॉट वेरी श्योर बट जो पता चला वीडियोस वगैरह देख के उसमें यही था कि डेल्टा में ये चीज नहीं है। आपको अगर लगवाना है तो होल करवा के ही, और डेल्टा प्लस में आप डायरेक्ट चेंज करवा सकते हो। तो अभी अगर आप दिखाना चाहो तो आप दिखा भी सकते हो बाद में इसका बैक, जो कि बैक काफी खूबसूरत है वैसे। हां जी मतलब डिग्गी इसकी अच्छी है। हां हां भाई भाई, खैर दूसरी तरफ न जाते हुए हम ये कह रहे हैं कि क्या ये जो थोड़ा सा पिलर के साथ इन्होंने जो ये ब्लैक वाला पोर्शन यहाँ पे मेरे ख्याल टॉप मॉडल में ये स्पीकर्स लगा देते हैं, इसकी वजह से आपको ऐसा लगता है कि ये व्यू कई बार मोड़ों पे आपको दिक्कत दे रहा है या ब्लाइंड स्पॉट जो है वो बना दे रहा है ज्यादा? अभी टू बी ऑनेस्ट क्योंकि ऐसी किसी जगह पे गए नहीं अपन, जैसे पहाड़ों पे कह लीजिए या फिर कोई ऐसी जगह जहाँ पे आपको इस साइड ज्यादा देखना पड़ेगा, मोस्टली जैसे बताया पहले हीट सिटी ट्रैफिक या फिर हाईवे पे चलिए, तो अभी तक ऐसा लगा नहीं है। लेकिन ये काफी ठीक है, अगर आप देखोगे उसको काफी ठीक है ये, यहाँ पे भी कैन हैव अ ग्लास। हाँ ये ऐसी सेम प्रॉब्लम मुझे नेक्सॉन में आती थी। जी जी जी, तो ये काफी ये थोड़ा सा काफी ठीक है। बाकी ओवरऑल विजिबिलिटी भी मतलब ऐसा कोई जैसे अगर ये वैगनार से आ रहे हैं तो वैगनार जो है वो ऐसा लगता है कि चारों तरफ से दुनिया खुली है, 360 आपको व्यू आता है। जी, जी, जी। वो व्यू थोड़ा सा मेरे को पीछे भी अगर आप देखोगे तो पीछे वाला भी ना ये थोड़ा सा ये सेम मेरे को नेक्सॉन में दिक्कत आती थी कि थोड़ा सा विजिबिलिटी जो है वो हेडर होती है, ये मेरे को एक थोड़ा सा नेगेटिव मुझे पर्सनली फील हुआ। सॉरी मैं आपकी गाड़ी के बारे में बोल रहा हूँ लेकिन मुझे लगा ऐसा। नहीं नहीं नेगेटिव है बिल्कुल ये, अब या तो इसका ये डिजाइन फ्लॉ कह सकते हैं या फिर अब जब मारुति वाले डिजाइनर्स भी पैसे ले रहे हैं तो कुछ तो सोचा होगा। नहीं पैसे तो हम लोग भी नौकरी में लेते हैं। नहीं हम तो काम कर रहे हैं सर, आप काम नहीं कर रहे। मैं तो मतलब जैसे इतना नहीं सोच रहे ना जितना मतलब आप समझिएगा, मतलब काट दूंगा मैं से। यही है कि मतलब कह सकते हैं एक डिजाइन फ्लॉ या फिर उसको वैसा डिजाइन देने के लिए ये फ्लॉ उसमें ऐड हो गया। तो हाँ इसमें बैक थोड़ा सा हिंडर होता है अगर दोनों जैसे अभी वो दोनों बट अगर आपकी हाइट ठीक है और आप गाड़ी चला रहे हो ठीक ही है, मतलब अगर आप गाड़ी भी चला रहे हो काफी टाइम से, अगर यू आर नॉट अ न्यू ड्राइवर तो आपको इतना दिक्कत लगेगी नहीं, मतलब वो दिक्कत है बट वो ठीक है, इट्स मैनेजेबल मैनेजेबल। अब आपकी हाइट कितनी है? मेरी सर 5'11" 5'11" छह ही कह दो ना हमें। नहीं, क्या मैंने थोड़ा 6 एक दो बार किसी को बोला तो वो बोलते हैं कि 6 तो मेरी है, मेरे से छोटे हो तो। अच्छा ईगो पे ले जाते हैं लोग, मतलब मैं 6 बोलता ही नहीं सर। ये भी सही है। तो ये बताओ आप, मैं तो 6 ही मान लूंगा सर, राउंड ऑफ तो करना चाहिए ना सर। अभी मैं आपको बार बार बोलूं जैसे आपकी हाइट है 5'11" something something, तो नहीं 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 जैसे कि तो आपके पास काफी हेडरूम मैं ये देख रहा हूँ है। हाँ, ये आगे तो है हेडरूम बट आई गेस पीछे अभी तक मैं बैठा नहीं, तो पीछे शायद अगर मैं या फिर मेरी हाइट का कोई बंदा बैठेगा तो उसको दिक्कत आ सकती है। अच्छा, तो जो पीछे का स्लोप आप जो बोल रहे हो जो वो है उसकी वजह से आपको दिक्कत आ सकती है। आ सकती है। पर आप ये बताओ जैसे आपने फैमिली के लिए गाड़ी ली, हाँ जी, तो फैमिली का क्या रिएक्शन है गाड़ी को लेके, उनको पसंद है नहीं पसंद है, वैगनार से उनको अपग्रेड लगता है या क्या, ओवरऑल फैमिली का क्या फीडबैक है? फैमिली का फीडबैक अब तो ठीक है क्योंकि ये अब ले ली गई है इसीलिए। अच्छा, तो नाउ दे हैव टू लिव विद इट वाला सीन है। बट इनिशियली क्योंकि आजकल थोड़ा क्रॉसओवर और एसयूवीज का सिस्टम वाला ज्यादा है, सिस्टम ज्यादा है, तो उनको था कि सोनेट भी ले सकते हैं। बट सोनेट एक तो इससे जैसे ही मेरे को 9.6 के अराउंड पड़ी, विच आई थिंक इज अ गुड डील, मतलब इस रेंज में और जितना डीलरशिप ने मेरे को कोटेशन दिया था उसको देखते हुए,
और जो सोनेट थी वो लगभग मेरे को ST K प्लस उसका हम देख रहे थे, जिसमें उसमें फीचर्स तो हैं जो आप ST K प्लस में अगर जाते हैं आपको आर्मरेस्ट मिल जाता है और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो थोड़ी लग्जरी वाली फील दे देती लेकिन हैं। ओवरऑल एक्सपेंसिव, मतलब वो फिर हाँ अगले वो लेवल की गाड़ी हो गई तो इलेवन कंपैरिजन ही इलेवन नहीं है। पॉइंट थ्री इलेवन पॉइंट फोर तक ही डीलरशिप जा रहे थे। इनिशियली तो उन्होंने 11.8 का कोटेशन बना के दिया था, उसमें भी उन्होंने बोला कि ये मार्च में आपको अवेलेबल हो नहीं पाएगी, तो आपको जो है अप्रैल में नए प्राइसेस के साथ ही मिलेगी। तो एक ये भी फैक्टर था कि हम लोग को लग रहा था वो फिर जाएगी तो ऑलमोस्ट 2 से 2.25 लाख महंगी हो जाएगी, तो उसको सोचते हुए फिर वो ड्रॉप कर दिया। और बलेनो को इसलिए क्योंकि उसका ग्राउंड क्लियरेंस कम था। स्पीड ब्रेकर आजकल आप देख ही रहे हैं कितने बड़े बड़े होते जा रहे हैं। लेकिन बलेनो में सेम प्राइस में आपको शायद थोड़े से फीचर बलेनो ज्यादा में, मिल जाते। हाँ बलेनो मेरे को जीटा मॉडल मिल रहा था, क्या क्या और फीचर जिससे ज्यादा मिल रहे थे सेम प्राइस उसमें आपको आर्मरेस्ट मिल जाएगा पे? और बाकी तो LED जिसमें भी हैं उसमें भी पेंटेड ही हैं उसमें आई गेस। और एक इसमें आपको एडजस्टेबल सीट मिल रही थी, उसमें हाइट नहीं मिल रही एडजस्टेबल, थी। उसमें बलेनो में है, इसमें हाँ नहीं है। इसमें नहीं है। और कैमरा मिल जाता उसमें आपको, कैमरा आपको कंपनी फिटेड ही मिलता है। इंफोटेनमेंट सिस्टम आई बिलीव सेम है उसमें भी और इसमें भी। इंफोटेनमेंट सिस्टम तो सेम ही है जी। जो स्पीकर्स आप यूज कर रहे हो, इंफोटेनमेंट की बात आई तो क्या उसका फीडबैक है, कैसे हैं, या चेंज ये कराने की तो जरूरत है, ये थोड़े हल्के हैं भारी नहीं, हैं? चेंज तो मैं नहीं कराऊंगा, है तो थोड़े हल्के ही, क्योंकि मतलब मेरे को थोड़े एक तो तेज गाने सुनने भी पसंद है, ऐसे तो मतलब दुचुक दुचुक। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो स्पीकर्स इसके आप कह सकते हैं कि बहुत एवरेज वाले हैं, मतलब एवरेज क्वालिटी है, बट ये है कि जब तक ये चल रहे हैं तब तक चलाएंगे, इनको ही चेंज तो नहीं करना है। मतलब कुछ भी नहीं मेरे लगाना को बाहर से। हाँ बाहर से बहुत कम वो है कि बाहर से ज़्यादा टच वच कराओ, जो आपको है भले आपका 1-1.5 लाख रुपए, अगर आपको और अच्छे स्पीकर्स चाहिए तो गो फॉर टॉप मॉडल्स जो उसमें ट्विटर विटर और जिसमें वो सब। सब मिल जाए आपको। हाँ जी हाँ जी तो ये प्लास्टिक क्वालिटी में आप, जैसे आपने बताया कि आप डिससेटिस्फाइड हो थोड़े से, सो हाँ मतलब जैसे पहले से तो थोड़ा सा प्लस है, मतलब इफ यू कंपेयर मारुति टू मारुति, राइट? मतलब उसमें भी शायद इसलिए क्योंकि ये थोड़ी ज़्यादा उन्होंने कलरफुल बना दी। अब एक जगह आपको सिर्फ ब्लैक ही दिख रहा है और एक जगह व्हाइट ही दिख रहा है, अब यहाँ पे आपको 3-4 कलर दिख रहे हैं, उसमें भी थोड़ी बहुत शाइन डाल दी, तो इसलिए ऐसा हो सकता है कि तो लग रहा ये होगा। चीज आपको अच्छी लग रही है कि अगर एक ही फ्रेम में 1, 2, 3, 4 जो कलर रही है ये ये अनटिल तो अनलेस पांच। थुके, जब तक थुक नहीं रही तब तक तो ये अच्छी लग रही है, क्योंकि वरना तो जब ये चेंज होंगे तो सारे चेंज होने वाले हैं। थोड़ा मतलब कार थोड़ी सी मतलब ये मेरी प्रेफरेंस है कि थोड़ी सटल होनी चाहिए, ज्यादा भी ओवरडू दो नहीं होनी कलर हो चाहिए। तो दो कलर हाँ बहुत दो है, एक इज हो तो गुड। ज्यादा सही है। हाँ जी हाँ यू आर जी दैट काइंड ऑफ अ पर्सन। हाँ जी हाँ जी मैंने ग्लैंजा देखी थी, तो ग्लैंजा का इंटीरियर मेरे को एज कम्पेयर टू बलेनो अच्छा लगा था, अच्छा लगा था। क्योंकि उसमें शायद बेज और ब्लैक ही है सिर्फ, तो वो एक थोड़ा सोफिस्टिकेटेड सा फील देता है आपको, थोड़ा एयरी भी देता है। बलेनो में ब्लू आ रहा था वो थोड़ा सही भी नहीं था, अब ये बट ठीक है। ताबड़तोड़ गर्मी है, जैसे हाँ जी एसी का परफॉर्मेंस का क्या सिस्टम है? एसी का तो ठीक लगता है मेरे को, ऐसा कोई रेयर एसी बहुत तो वेंट आते रेयर नहीं इसमें, एसी वेंट इसमें नहीं है, टॉप इससे मॉडल ऊपर में है वाले मॉडल में है, तो जीटा से लेकिन स्टार्ट हो जाता है लेकिन वो। पीछे वाले को कोई दिक्कत महसूस होती है कि ना होने की नहीं वजह से? नहीं नहीं अभी तक ऐसा कोई कंप्लेन तो नहीं करी है, ऐसे घर वालों ने? मम्मी बैठती हैं या फिर हाँ सिस्टर बैठती है, हाँ तो हाँ ऐसा कोई मेजर कंप्लेन नहीं करी है। अब क्योंकि टेम्परेचर इतना ज़्यादा है जिसकी वजह से जब स्टार्ट करते हैं मतलब वो तो आर सभी खड़ी गाड़ियों होती में है, है, वो तो हाँ सभी गाड़ियों में तो वो उस अगर। समय बस थोड़ा सा लगता है, बट वो भी हो सकता है कि चीज़ें धीरे धीरे मतलब जितना इसको आप जब गाड़ी चलती रहती है तो फिर ठंडी हो जाती है। और जो कंफर्ट है, जो सीट्स हैं, सीट्स तो दे आर कंफर्टेबल, सीट्स कंफर्टेबल मेरे इनफ? को अच्छी लगती हैं। और इसका बहुत लोगों से मतलब जो होंडा या फिर कोई दूसरी गाड़ी यूज़ कर रहे हैं होंडा वगैरह, तो उन्होंने जैसे दोस्तों ने चलाई तो उन्होंने बोला कि सीट्स आर मोर मोर कंफर्टेबल कंफर्टेबल। देन देम देयर कार्स। तो अब हाईवे की बात कर लेते हैं, हाईवे पे आपने जैसे लेके आए हो, दिल्ली से नोएडा लेके आए हो, उस पे क्या परफॉर्मेंस है, कितनी कॉन्फिडेंस मतलब, या जो भी आपका फीडबैक है ऑनेस्ट, जो जिस जो गाड़ी खरीद रहा है उसे पता होना चाहिए, 10 लाख रुपए कोई जो अपने डाल रहा है। तो मैंने जो कंपेयर किया है इसको, मोस्टली मैंने ड्राइव करी है सोनेट और वेन्यू और वैगनार। तो
तो ये अगर मेरे को इसको रेट करना होगा तो ये सिर्फ वैगनार से ही ऊपर है। तो यार देखो वो तो गाड़ियां भी ऊपर के सेगमेंट की है। हाँ जी, हाँ जी। मतलब ये देयर इज नो कंपैरिजन, राइट? कंपैरिजन तो नहीं है, बट अगर साइज और ये सब चीजें देखते हैं तो ऐसा लगता है, क्योंकि इंजन तो उनमें भी सेम ही आ रहा है लगभग। हाँ, बस ये है कि उनमें टर्बो आ रहा है। हाँ जी, हाँ जी। जो 1.2 वेन्यू, अगर आप वेन्यू टर्बो चार्ज चला रहे थे या 1.2 चला रहे थे? सिंपल नेचुरल 1.2। तो आपको वो ज्यादा बेटर लगती है हाईवे पे एज कम्पेयर टू दिस? वो थोड़ी ज्यादा स्टेबल लगती है, वो इसलिए भी हो सकता है जैसे आप बता रहे थे वीडियो के स्टार्टिंग में, ड्यू टू वेट, क्योंकि उनका वेट ज्यादा है इसलिए हो सकता है वो। स्टेबिलिटी में मतलब क्या आपको फील होता है? एक बार जब मैं आया था वहां से, मतलब मुरादाबाद से नोएडा आ रहा था, तो शायद उस दिन हवा भी ज्यादा थी ऐसा लगा, क्योंकि गेट से जो है हवा की आवाज आ रही थी। तो गाड़ी लगभग थी 100 के आसपास, 100-110। तो उस समय अगर आप राइट या लेफ्ट भी मूव कर रहे थे तो ये बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट देनी, मतलब कॉन्फिडेंस नहीं दे रही थी मेरे को कि आई विल बी एबल टू स्टॉप इट व्हेनेवर आई वांट इट। तो ये स्टेरिंग अभी जैसे आपने मोड़ काटा है, स्टेरिंग वापस आ रहा है इसका अपने? हाँ जी, हाँ जी। जो ये पुरानी तो बीमारी थी इसमें, ये पुरानी इग्निस में दिक्कत थी और सब, तो अभी दिस इज फिक्स्ड? दिस इज फिक्स्ड। अच्छा, ये ही है आई गेस क्रिटिसिज्म का फायदा। सही बात है। जब लोगों ने इस पे, आप लोगों ने वीडियो बनाई, बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो इस चीज को बता रहे हैं बार बार, तो आई गेस नाउ दे हैव फिक्स्ड इट इन देयर रीसेंट कार्स। पुरानी कार्स में तो वो रह गई। अब मतलब तो हाईवे पे आप 120 की स्पीड मेंटेन करने में आपको, मतलब आप इतने कॉन्फिडेंट नहीं रहते, तो यू स्टे अंडर 100, आप ये कह रहे हो? अंडर 100। हाँ, और ये जो आप माइलेज वगैरह देख रहे हो ये सब अंडर 100, अंडर 100 वाला ही है। हाँ। लेकिन आप ऐसे तेज चलाने वाले हो या मतलब इट इज व्हाट यू वांटेड एंड यू आर दिस काइंड ऑफ अ पर्सन, आपको ज्यादा हीरो नहीं बनना है और मतलब यू हैव टू कीप अ बैलेंस? हाँ, कीप अ बैलेंस। बहुत ज्यादा तेज भी नहीं है, बट ये 80-100 चलती रही गाड़ी, क्योंकि हाईवे पे भी, क्योंकि हाईवेज आप ये भी कह सकते हो अच्छे हो गए हैं, तो अंदर से मन तो होता है कि हाँ ठीक है भगाते हैं, बट देन जब तक वो कॉन्फिडेंस नहीं आता तो इसलिए फिर पैर को थोड़ा रोकना पड़ता है कि लेट्स नॉट गो फॉर इट। लेकिन मतलब मेरे को नहीं लगता कि इस सेगमेंट में मतलब अगर ये वाली बात जो है ना, ये पंच के अंदर आपको मेरे को लगता है फील नहीं होती जो आप कह रहे हो ना कॉन्फिडेंस वाली, वो आराम से आप 140, क्योंकि मैं लद्दाख लेके गया हूँ पंच को, तो वहाँ पे अगर आप 140 चला रहे हो उसको तो इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको ये चीज, और वो वेट का एक सीधा सीधा सा देखो रिजल्ट है, और जो स्टेयरिंग फीडबैक जो आपको रोड का, ये चीज जो है ये उनकी जो है वो प्लस है अगर मतलब पंच में लेते। इंजन जो है वो ऑब्वियसली नेगेटिव है, तो ये वाली चीज आपको वहां फील नहीं होती। लेकिन इफ यू टॉक अबाउट ओवरऑल अ प्रैक्टिकल डिसीजन वेयर इन आपको भाई 9.5-10 लाख रुपए खर्चने हैं और आपको लंबी रखनी है SUZ, आपने उस वैगनार की भी आखिरी सांसें तक निचोड़ रहे हो आप उसे, तो अगर किसी को गाड़ी वसूल करनी है, सो आई थिंक इट इज अ वेरी गुड चॉइस एज पर मी। यस यस, डेफिनेटली इट विल बी अ गुड प्रोडक्ट फॉर देम एंड फॉर देयर फैमिली। एक तो उसमें एक प्लस पॉइंट ये भी है कि मतलब पंच में भी स्पेस है, बट इसमें उसके कंपैरिजन में आपको ज्यादा स्पेस मिलेगा। अच्छा, स्पेस वाइज आपने कंपेयर किया था? बैक सीट पे भी। ओके ओके। पंच एक मेरे फ्रेंड के पास है तो मैंने उनकी भी चलाई हुई है, इसलिए जब हम, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बता रहा था कि मैंने कोटेशन क्यों नहीं ली थी, तो वो मेरे को था एक आइडिया कि ये कितने तक मतलब जा सकते हैं डीलरशिप, तो टेस्ट ड्राइव उनसे भी ली थी और बाकी फ्रेंड की भी चलाई है, तो उसका एक अच्छा खासा आइडिया था कि क्या क्या दिक्कतें वो उसको आ रही हैं, और काफी बार वो मतलब जा भी चुकी है सर्विस सेंटर। वो तो सर सर्विस सेंटर थोड़ा सा ये रहता ही है डाटा, मतलब वो आपके साथ रिश्ता इतना अच्छा बना के रखते हैं, वो चाहते नहीं है कि आप मतलब आफ्टर सेल्स ज्यादा अच्छे हैं, मतलब वो चाहते हैं कि आप उनके पास ही रहें, मतलब थोड़ा सा ये सिस्टम है। आई गेस धीरे धीरे वो भी इम्प्रूव करेंगे, मतलब कर ही रहे हैं इम्प्रूव, तो उन्हीं की वजह से ही, टाटा की वजह से ही आई गेस लोग बाग अब सेफ्टी को ध्यान दे भी ध्यान दे रहे हैं और मैन्युफैक्चरर भी ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि मारुति तो मेरे को लगता है कि वो बैक बेंचर है बेसिकली, ये ना थोड़ा सा चीज में अच्छा होना चाहता है हो नहीं पा रहा, तो वो धीरे धीरे ही हो पाएगा, सडनली यू विल रियलाइज कि वो बैक बेंचर IAS बन गया। बात ये कि मारुति के साथ हमने थोड़ा सा ये देख रहा है, नॉट ओनली मारुति, हम लोगों ने जैपनीज सारे ब्रांड्स के साथ थोड़ा सा ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये बहुत रिजिड है अपनी अप्रोच में, मतलब इनका एक माइंडसेट है कि जी हमको ये चीज बेचनी है और ऐसे बेचनी है, तो वो वैसे ही बेचेंगे अगले 20 साल तक, उसको चेंज नहीं करेंगे।
बट व्हेन यू सी इंडियन मैन्युफैक्चरर्स लाइक टाटा एंड महिंद्रा, वो हर चौथे महीने एक नया रंग डाल के कई नई चीज करते रहे हैं, कोई न चार फीचर लेके आ जा रहे हैं नए. सो दे आर वेरी फ्लेक्सिबल, और उसकी वजह से अगर जो आप सेल्स फिगर्स देखते हो ना, जो उन्होंने गेन की है, वो एक जिसको नयापन चाहिए, जिसको वो चीज चाहिए. और मार्केट में भी अब वही है ना कि मारुति से भी जो लोग मारुति बायर हैं वो हैं, लेकिन इफ इफ समबडी इज अ यू नो सेकंड टाइम थर्ड टाइम बायर और उसको ऑप्शंस दिखते हैं, तो उसको ये दिखता है कि व्हाट आई एम मिसिंग आउट ऑन, नो स्पेशल कलर्स एंड मतलब थोड़ा सा अगर आप देखो इंटीरियर्स की भी बात करोगे तो इट इज नॉट एज पर व्हाट वी हैव इन लाइक अदर प्रोडक्ट्स इन द मार्केट, राइट. सो वो वाली एक छोटी सी बात है. तो वही है कि प्लस और माइनस हर गाड़ी के हैं, हर ब्रांड के हैं, अपनी अपनी जो है वो फिलॉसफी पे ब्रांड्स चल रहे हैं और अपनी अपनी चीजें ऑफर कर रहे हैं. तो ये अब ये मतलब इनसे ओनरशिप रिव्यू लेते लेते हम इसको पॉडकास्ट में ना बदल दें. तो इससे पहले मैं आपसे दो चार और छोटे से सवाल पूछूंगा कि आप सेटिस्फाइड हो पूरी गाड़ी से, या कोई ऐसा मेजर नेगेटिव आप जो बताना चाहें, और मेजर पॉजिटिव एक दो चीजें आपको जरूर बतानी कि भाई एक पॉजिटिव बहुत सही है ये मेरे को, भाई आई एम इन लव बिकॉज ऑफ दिस, और एक यार ये कर दो प्लीज सही. पॉजिटिव यही है कि इसका जो मतलब ड्राइविंग एक्सपीरियंस है वो काफी अच्छा है. अब और एक चीज सेकंड वो सभी मारुति के साथ है कि ठीक है दे हैव गुड माइलेज, तो ये तो आपको ज्यादातर हर वीडियो में भी मिल जाएगा और जो ओनर्स हैं वो भी बताएंगे. और अगर एक नेगेटिव है तो वो जो मारुति जिस हिसाब से कॉस्ट कटिंग करती है वो मतलब जो फीचर्स इसमें होने चाहिए थे यार, वो लोड सेंसर वाला तो यार बहुत बड़ा यार, इफ नॉट फीचर्स तो अगर उन्हें अलग से भी एड ऑन करना है कुछ तो वो उन्हें देने चाहिए, खासकर जैसे जो आपने पॉइंट आउट किया कि उसमें सेंसर्स नहीं है. आई एस वो अभी उन्होंने नई स्विफ्ट में कुछ चेंजेस करे हैं, अनश्योर अनश्योर मतलब नॉट श्योर, आई एम नॉट अवेयर ऑफ, आई विल चेक. हाँ जी हाँ जी. बट सेकंड ये है कि आजकल आर्मरेस्ट एक नेसेसिटी बन गई है जो आपको नाउ आई एम पिन पॉइंटिंग कि अभी आपकी आम जो है वो सूखी नहीं है 10 लाख खर्चने के बाद भी आपकी आम जो है वो सॉरी फीलिंग सॉरी फॉर द आम. एक थोड़ा सा ये लगता है कि इसमें फीचर हो सकता था इफ दिस इज अ फीचर, मतलब ये मुझे लग रहा है कि कंपनियों ने अब इसको ना लग्जरी उसमें डाल दिया आर्मरेस्ट को, कि या तो आप टॉप मॉडल लो तभी यू विल गेट दैट लग्जरी, वरना नहीं मिलेगा कुछ भी. तो जी I'll once again thanks Pushpender for coming on the channel and sharing his views. अभी थोड़ा सा सर आप और इसको चलाओ. हाँ जी, अभी बिल्कुल. अभी आप 10,000 किलोमीटर चलाओ, एक दो सर्विस कराओ, बताना इश्यूज क्या आ रहे हैं इसके अंदर जो भी है. हम एक लॉन्ग टर्म रिव्यू भी आपके साथ करेंगे जो जिसमें आप लॉन्ग टर्म ओवरव्यू आप इनको उसका दो. बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना. अगर आपने भी ऐसा रिव्यू अपनी गाड़ी का शेयर करना है तो इस ईमेल एड्रेस पे ईमेल कर दो और वील ट्राई टू कनेक्ट विद यू एज सून एज पॉसिबल. बाकी थैंक्स भाई फॉर कमिंग. यप, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर चैनल एंड अब एज पर योर प्रॉमिस इट्स गो फॉर 20 ब्रेक.